नमस्कार सभी को। अगर आपका पेन है यहाँ से निकलता है, किसी भी हिस्से से, इधर से निकलता है या इधर से निकलता है और नीचे पूरा नस में जाता है या थाइस तक आता है, तो वो ये आपका सियाटिका का पेन होता है, स्लिप डिस्क का पेन होता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। कुछ में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज आपको इंक्लूड करनी है। और शुरुआत, जैसा भी आपका बॉडी का लेवल है, बॉडी का लेवल क्या होता है कि किसी की बॉडी स्टिफ होती है, किसी की बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, तो आपको अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार ये एक्सरसाइज करनी है। तो आपको ये दो एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करनी है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हमें बोल देता है, हमें बता देता है कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो, हो नहीं पाती है। तो मैं आपको अपने साथ की एक्सरसाइज कराऊंगी। आप इस वीडियो को ऑन करेंगे दिन में, आप इसको जब भी आपको समय लगे, आपको लग रहा है कि खाना खाए हुए एक दो घंटा हो गया है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज की शुरुआत। आप इस एक्सरसाइज को अपने बेड पर कर सकते हैं या फिर योगा मैट पर भी कर सकते हैं। सीधे लेट जाएंगे, कमर के बल लेटना है। उसके बाद आपको अपने एक पैर को उठाना है, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए आप अपनी थाई को, अपनी जांघ को पकड़ेंगे, आगे की ओर खींचेंगे और पैर को जितना सीधा हो सके उतना सीधा करने का प्रयास करेंगे। शुरू में एकदम सीधा नहीं होगा, कुछ आप जब 10-15 दिन हो जाएंगे आपको करते करते, तो आप देखेंगे कि आपका पैर जितना पहले सीधा होता था उससे ज़्यादा सीधा होने लगा है और आपके दर्द में भी बहुत ज़्यादा राहत मिलने लगी है। अभी जस्ट मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसको काउंटिंग के साथ करेंगे। आप जब भी इसे करें तो वीडियो को ऑन कर सकते हैं और वीडियो के साथ आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, इससे हमारी जो सियाटिका नर्व होती है, जो हैमस्ट्रिंग होती है, वो उसको स्ट्रेंथ भी मिलती है, मजबूती भी मिलती है और वो रिलैक्स भी होती है, जिससे हमारा पेन कम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने एक पैर को उठाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए पैर को आगे की ओर खींचेंगे और पैर को सीधे करने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नीचे लेकर आएंगे। अब दूसरे पैर से पैर को आगे खींचेंगे और पैर को सीधा करने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे से पैर को नीचे लेकर आएंगे। हम कम से कम 3 रिपीटेशन तो इसके ज़रूर करेंगे ताकि इफ़ेक्ट दिखे। तो दोबारा से रिपीट करते हैं और बीच में थक जाए तो थोड़ा एक दो सेकंड का रिलैक्स भी ले सकते हैं। उठाएंगे पैर को, दोनों हाथों से पकड़ेंगे थाई को, उसके बाद पैर को सीधा करेंगे, आगे खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे से पैर को मोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, उठाएंगे पैर को, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, आगे की ओर खींचेंगे और पैर को सीधा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पैर को मोड़ते हुए धीरे से नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद एक रिपीटेशन और करेंगे, उठाएंगे पैर को, दोनों हाथों से पकड़ेंगे थाई को, उसके बाद पैर को सीधा करेंगे, आगे खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे से पैर को मोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, उठाएंगे पैर को, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, आगे की ओर खींचेंगे और पैर को सीधा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पैर को मोड़ते हुए धीरे से नीचे लेकर आएंगे। शुरू करेंगे दूसरी एक्सरसाइज, अपने घुटने को मोड़ेंगे, उसके बाद दूसरे पैर को उठाएंगे और पाँव को घुटने पर रख देंगे। जो पैर ज़मीन पर रखा है उसकी जांघ को, उसकी थाई को पकड़ते हुए आगे की ओर खींचेंगे,
दूसरे साइड के पैर में थोड़ा खिंचाव आएगा, इस खिंचाव को जितना आप सहन कर सकें उतना ही आगे खींचें और इसको कुछ देर तक होल्ड करें। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, इसको आप दोनों पैरों से करेंगे। काउंटिंग के साथ अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार ध्यान से करने से पहले एक बार इसको देख लीजिए, एक घुटना मुड़ा रहेगा, उसके बाद एक पैर को रखेंगे, जौन सा पैर ज़मीन पे है उसको दोनों हाथ से पकड़ेंगे और आगे की ओर खींचेंगे। इससे हमारे लोअर बैक का और जो हमारी टेलबोन होती है उसमें भी पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है और सीआरटी का में बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को शुरू से। एक घुटने को मोड़िए, उसके ऊपर दूसरा पैर रखिए और आगे की ओर खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप धीरे से पैर को नीचे लेकर आएंगे। अब पैर बदल लेंगे, जो सा नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और आगे की ओर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पैर चेंज कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे, पैर को नीचे लेकर आएंगे और फिर से चेंज कर लेंगे। पैर को जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ध्यान रहे कि आपको वो पैर आगे खींचना है जो ज़मीन पर रखा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से दोनों हाथों को छोड़ते हुए वापस ले आएंगे पैर को और रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को जितना चाहे आप रिपीट कर सकते हैं, ये उतना ही आराम देगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैर को छोड़ेंगे, इसके बाद पैर को चेंज कर लेंगे। जो उनसा नीचे है उसको ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे। दोनों हाथों से थाई को पकड़ते हुए आगे की ओर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैर को वापस ले आएंगे, रिलैक्स करेंगे। एटलीस्ट 4 to 5 times आप इसको ज़रूर करें। आप अगर इन एक्सरसाइज को 7-8 days करते हैं लगातार, तो आप खुद अपने पेन में आराम देखेंगे। और मैं प्रे करती हूँ कि भगवान जल्दी से जल्दी आपके सभी दुख दर्द मिटा दे और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।